इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट राजीव शर्मा। और बात कर लेते हैं आज उत्तर प्रदेश पुलिस की। जी हां, उत्तर प्रदेश पुलिस पिछले कुछ दिनों से बहुत चर्चा में है क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस कई सारे ऐसे काम कर रही है जहां पर माफियाओं को, गैंगस्टरों को और असामाजिक तत्वों को जेल में या तो डाला जा रहा है या एनकाउंटर के जरिए उनको ढेर किया जा रहा है। अतीक अहमद के ऊपर जिस तरीके से शिकंजा कसा था, बाद में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की तीन सिरफिरे हत्यारों ने हत्या भी कर दी थी, उसके बाद अतीक के साम्राज्य को खंगालने में पुलिस लगातार जुटी हुई है, अतीक के साम्राज्य को खत्म करने में जुटी हुई है। अतीक का एक बेटा असद झांसी के पास, परीखा के पास मारा भी जा चुका है एनकाउंटर में, लेकिन अतीक के दो बेटे उमर और अली अभी भी जेलों में बंद हैं। तो अतीक के साम्राज्य को खंगाल रही है पुलिस, लेकिन अतीक की पत्नी और असल किरदार लेडी शाइस्ता डॉन अभी फरार है पूरी तरीके से, और उसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने जमीन आसमान एक कर दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस उसे हर जगह तक ढूंढ रही है। और अब जो खबर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने अपना चोला तक बदल लिया है। अब आप कहेंगे चोला बदलना क्या होता है, उन्होंने अपनी वर्दी को बदला और वर्दी की जगह वो गेटअप हासिल किया जिससे उनके बारे में लोग पहचान ना पाएं, उन्हें लोग समझ ना पाएं, उन्हें लोग पता ना कर पाएं। और वो गेटअप इस तरीके का उन्होंने अपना बनाया है जो कि गेटअप ऐसा लगता है जैसे फिल्म का कोई डॉन हो, कोई डॉन का किरदार हो, उसी तरीके का पठानी सूट, वैसे ही कपड़े। ये एक शख्स ने किया है, बाकियों ने किस तरीके का गेटअप बदला है ये ना हमें पता है ना पुलिस बता रही है। एक जानकारी ये निकल कर आई है कि प्रयागराज में एक थाने के एसएचओ ने इस तरह का गेटअप बनाया जिसके जरिए वो शाइस्ता के मूवमेंट की नजर रख रहा है, तमाम चीजों की नजर रख रहा है। तो पुलिस ऑल द वे सारे हथकंडे, सारे हथियार अपना रही है कि उस लेडी डॉन को शिकंजे में ले सके, उसके जरिए माफियाओं का जो गठजोड़ है उस पर चोट कर सके और उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने की तरफ एक कदम और आगे बढ़ा सके। पुलिस की इस कोशिश पर आप क्या कहते हैं? पुलिस क्या इस तरीके से काम करती रहनी चाहिए? क्या पुलिस ने ये जो चीज़ सामने अपना लुक दिखाया है, क्या आप ये तो नहीं समझते कि इस लुक के सामने आने के बाद अब तो माफियाओं को पता चल जाएगा कि पुलिस ऐसा भी लुक ले रही है? क्या वजह हो सकती है? क्या केवल पब्लिसिटी है? क्या वाकई पुलिस अब अपराधियों से 10 कदम आगे रहने की कोशिश में इस तरह की चीज़ों को, इस तरह की हरकतों को अपना रही है? जो कुछ भी हो कमेंट सेक्शन आपके लिए ज़रूर लिखकर बताइए। फिलहाल इतना ही इस वीडियो में। नमस्कार।